दिल्ली के किंग्सवे कैंट चौक पर अखिल भारतीय सुधार पार्टी ने दिल्ली में शराब बंदी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। पार्टी ने दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए दिल्ली में पूर्ण शराब बंदी की मांग की। भारतीय सुधार पार्टी का कहना है कि शराब के नशे में क्राइम अधिक होते हैं और सड़कों पर एक्सीडेंट की ज्यादा वजह शराब है, इसलिए पूर्ण शराब बंदी जरूरी है। दिल्ली के किंग्सवे कैंप को ही इन लोगों ने चुना क्योंकि यहां एक चौक पर 6 शराब की सरकारी दुकानें हैं। इन लोगों ने दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस पार्टी का आरोप है कि चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी दिल्ली को नशे से और क्राइम से मुक्ति दिलाने की बात करती थी, पर अब रेवेन्यू बढ़ाने के लिए लगातार शराब की दुकानें दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ही बढ़ा रही है। साथ ही यहां कहना था, बगल में चंद कदमों पर दिल्ली यूनिवर्सिटी है और इस चौक पर स्टूडेंट हब है, यहां स्टूडेंट भी शराब के नशे के शिकार हो रहे हैं। इस पार्टी ने नए टेंडर से पहले पूर्ण शराबबंदी की मांग की। अखिल भारतीय सुधार पार्टी ये चाहती है कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार पूर्ण शराबबंदी लागू करे, दिल्ली में अपराध कम हो। देखने में आया, सर्वे बताता है कि रोड एक्सीडेंट में शराब पी के साल में 1.5 लाख के करीब लोग मर जाते हैं, वो भी एक कारण है शराब। ये केजरीवाल जी ने जो शराब बांटने का, जो उन्होंने दुकानों को लाइसेंस देने का काम किया है, इसके खिलाफ अखिल भारतीय सुधार पार्टी सख्त है, क्योंकि जितनी भी दुर्घटनाएं हो रही है, जो भी महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, बच्चों पर अत्याचार हो रहा है, उसके जड़ में जो है सो शराब है। और अखिल भारतीय सुधार पार्टी ने निर्णय लिया है कि पूरे दिल्ली प्रदेश में जब तक शराब पूर्ण रूप में शराब बंद नहीं हो जाता, तब तक यह पार्टी अपना मुहिम चलाती रहे। यहाँ इन लोगों की संख्या भले ही कम हो, पर शराबबंदी का समर्थन करने वालों की बड़ी तादाद है और जरूरत है सरकार महज रेवेन्यू के लिए शराब को बढ़ावा न देकर एक दायरे में काम करे। दिल्ली से दिल्ली दर्पण के लिए नसीम अहमद की रिपोर्ट।